गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, करीबी देहात डूबने का खदशा। वजीर आला सिंध सूरत हाल का जायजा लेने सखर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 20 अजला में 23 लाख अफराद मुतासर हुए। सिंध में सैलाब से सूरत हाल खतरनाक है। वजीर आजम को खत लिखकर मदद की अपील कर दी। इस वक्त जो ज्यादा तश्वीशनाक तश्वीशकुन सूरत हाल है वो हमारे इन देही जिलों में, जहाँ पे पूरा दरिया साथ दे रहा है। ये हमने बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया है। मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने से मुतालिक हतमी फैसला आज जायजा इजलास में किया जाएगा। 15 सितंबर से नवी जमात और उससे ऊपर की तमाम क्लासेस शुरू की जाएंगी। प्राइमरी क्लासेस का नंबर एक हफ्ते बाद आएगा। आधे बच्चे एक दिन, आधे दूसरे दिन आएंगे। अवाम महंगाई से परेशान है, हुकूमत अपोजिशन के पीछे लगी हुई है। 2 साल से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। LNG रेफरेंस में पेशी के बाद बोले, आज तक हुकूमत के किसी एक फर्द के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। हर 2 नंबर आदमी वजीर और मुशीर बना हुआ है, इनसे क्या तवक्को रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया डेरेची को मुल्क बदरी से रोक दिया। वजारत दाखिला ने मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट का वजारत दाखिला, DGFIA और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब।